मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार और सियासी पारा अपने चरम पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रचार के मोर्चे पर डटी हुई हैं। हालांकि बीजेपी के पास नेताओं की बड़ी और सुसंगठित फौज है, इसलिए बड़ी चुनावी सभाएं हो रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर चंबल अंचल में 4 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान अंतिम चुनावी सभा उन्होंने ग्वालियर के इंटक मैदान में की। इस दौरान अमित शाह ने जमकर कांग्रेस पर हमला बोला। अमित शाह ने अपने भाषण की शुरुआत में सबसे पहले ग्वालियर की ऐतिहासिक भूमि को प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि वह गालब ऋषि, उस्ताद अमजद अली, अटल बिहारी वाजपेयी, राजमाता और बीजेपी जनसंघ की स्थापना जिस भूमि पर हुई है, वे वहाँ बार बार आ रहे हैं। अमित शाह ने विधानसभा चुनाव के जरिए 2024 में होने वाले आम चुनाव पर निशाना साधा और जनता के सामने अपना एजेंडा घोषित कर दिया। उनका कहना है कि मोदी जी को फिर से पीएम बनाना है, एमपी में फिर से भाजपा की सरकार बनानी है। 17 नवंबर को कमल के सामने का बटन दबाएं, यह सिर्फ प्रद्युम्न तोमर का चुनाव नहीं है, आने वाले समय में मोदी जी का चुनाव का वोट है। पीएम मोदी ने देश को दुनिया में सम्मान दिलाया है, तीसरी बार मोदी जी को मौका दीजिए, हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। सुनिए इस कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा। माताओं, भाइयों, बहनों, ग्वालियर और मध्य प्रदेश का विकास अगर कोई कर सकता है तो मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। देश को सुरक्षित कोई कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। देश को दुनिया में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था अगर कोई बना सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी बना सकते हैं। और इसके साथ साथ परिवारवादी राजनीति को कोई समाप्त कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। भैया, दोनों हाथ उठाइए, माताएं बहनें भी उठाएं, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, सबसे पहले ये ऐतिहासिक भूमि ग्वालियर को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये ऋषि ग्वालिया संग्रीत सम्राट तानसेन, महाजी सिंधिया, उस्ताद अमजद अली खान, इस सभी महापुरुषों की ये भूमि है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, एक ग्वालियर काशी से कम नहीं है, क्योंकि ये ग्वालियर श्रीमंत राजमाता साहब की भूमि है और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की। यहीं से भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की उदय की कहानी शुरू हुई है। राजमाता साहब का वात्सल्यपूर्ण नेतृत्व सालों तक भारतीय जनता पार्टी के न केवल मध्य प्रदेश, समग्र देश के कार्यकर्ता को मातृशक्ति की तरफ प्रेरित करता रहा। और अटल जी ने यहीं से निकलकर देश भर में घूम घूम कर पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और भाजपा के पहले प्रधानमंत्री भी बने। ग्वालियर वालों, बताओ, सभी को कोरोना के दोनों टीका लगे हैं या नहीं लगे हैं? हाथ ऊपर करो तो लगे या नहीं लगेगे? 25 पैसा भी किसी को देना पड़ा है? कॉफी पिलाकर मोदी जी ने टीका लगाया या नहीं लगाया? मोदी जी ने 220 करोड़ टीके लगाकर समग्र भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का मोबाइल निर्माता बन चुका है, तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप का केंद्र बन चुका है और रिन्यूएबल एनर्जी में भी दुनिया में भारत देखते देखते 9 साल में 11 नंबर से तीसरे नंबर पर आए। एक नई संसद बनाई, संसद बनाकर इसके अंदर सेंगोल को स्थापित किया। और मैं आज बताना चाहता हूं,
ये राजमाता साहब की भूमि है, माताओं बहनों को 30% आरक्षण विधानसभा लोकसभा में देने का काम भी नरेंद्र मोदी। मित्रों, कर्तव्य पथ का निर्माण किया, चंद्रमा पर तिरंगा पहुंचाया और देश को सुरक्षित कर आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने न केवल भारत को गौरव दिया, भारत का विकास करने का भी काम किया है। ज्योतिरादित्य जी ने यहाँ की पूरी बात बताई है, इसमें मैं फिर से जाना नहीं चाहता, परंतु मैं कहना चाहता हूँ, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में नहीं आई, मध्य प्रदेश श्रीमान बंटाधार के शासन में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। 18 साल में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को बीमारू से बेमिसाल राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार 23,100 करोड़ का बजट, उसको बढ़ाकर 3,14,000 करोड़ तक ले गए। ST SC OBC का बजट 1,000 करोड़ का था, उसको 64 गुना बनाकर 64,400 करोड़ का किया। प्रति व्यक्ति आय 11,718 रुपया थी, उसको बढ़ाकर 1,40,000 तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 5,00,000 किलोमीटर के नए रोड बनाए, 71,00,000 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी की और राशन के लाभार्थी परिवार 1,26,00,000 करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और 64 लाख यात्री आते थे, इसकी जगह अब मध्य प्रदेश में 9 करोड़ यात्री आते हैं, ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों,